कई लोग बोलते हैं मेरे को ऐसा कि मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ। लास्ट टाइम गुरुजी आए थे यहाँ पर, तब मैंने उनके साथ शूट किया था, तो जब मेरी क्या उनसे ऑफलाइन मतलब विदाउट कैमरे के बात हो रही थी तो आपके बारे में पूछा था, तो वो बड़े खुश रहते हैं आपसे। चैनल में देखते हैं तो बहुत सारे एथलीट होते हैं, स्पेशली जैसे राजवीर भाई आ गए, मुकेश सर आ गए, तो जब सो हेलो दोस्तों, मैं हूं लोकेश और मैं जैसे कि मैं बताया मैं कंपटीशन के अंदर हूं, सो आप गैस नहीं करोगे हमारे साथ कौन है। बादल भाई इंडियन आइडल के नाम से इनका चैनल बहुत मशहूर है और सबसे फनी कंटेंट के लिए हमेशा जाने जाते हैं। तो सर जयपुर में कैसे आना हुआ आपको? ये आपके मैंने सोचा एक तो मेडल मैं भी ले लूं। इसके बाद क्या है मतलब शेरू क्लासेस? हाँ एक्चुअली शेरू के लिए एनपीसी मैंडेटरी है, तो मैं मेरे को पहले पता नहीं था, पिछली बार भी हमें ऐसे ही खेला था, तो पिछली बार टॉप 5 में आया था मैं शेरू में, तो इस बार मेरे को लास्ट मोमेंट में पता लगा कि एनपीसी मैंडेटरी है, तो उसके बाद फिर कोई ऑप्शन बचा नहीं था मेरे पास। नोएडा में भी था, मैं नोएडा खेल सकता था, बट मेरे को मालूम नहीं था, तो फिर इसकी राजस्थान मेरे को पता लगा, किसी ने बताया दोस्त में कि राजस्थान में है, तो उसके लिए फिर मैंने इसकी तैयारी करी, तो फिर इतने जस्ट 1 मंथ मैंने तैयारी करी इसकी और माशाल्लाह मेडल भी आ गया, सिल्वर मेडल। तो ठीक है, शुक्रगुजार हूँ मैं राजस्थान का, यहाँ बहुत मेरे चाहने वाले हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं जयपुर के लोग, राजस्थान के लोग, और बहुत अच्छे लोग हैं भाई, मैं इतना कोऑपरेट करते हैं लेकिन नहीं कर सकता। सही कह रहे हो सर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो चैनल देखते हैं, काफी सारे इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन आपका चैनल जब भी कोई देखता है ना कोई भी वीडियो, हैप्पी हो जाता है एनी टाइम, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो इतना यूनिक और फनी टाइप का होता है। बिल्कुल, तो इसके क्या है मतलब क्यों फनी, मतलब क्या सोचते हो? देखो ऐसा नहीं है, फनी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं फनी बनाता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब से कोरोना खत्म हुआ है, कोरोना के बाद कई लोगों की जॉब चली गई है और बहुत सारे लोग जो है नौकरी चली गई है बेचारों की, उनके बहुत सारे दिक्कतें आ गई हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो गर्लफ्रेंड के सताए होते हैं, मम्मी के डैडी के भगाए होते हैं, तो बेचारों के लिए मेरे को थोड़ा सा जोकर बनना पड़ता है कि अगर मेरे कंटेंट से कोई हैप्पी होता है या खुश होता है, हंसता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं भाई धन्य हो गया, क्योंकि वो जो चीज़ मैं बनाता हूँ वहाँ पर, उससे मेरे को ऐसा लगता है कि भाई चलो ठीक है, कम से कम हैप्पी तो हुआ, डिप्रेशन से बाहर आ जाते, लोग नहीं तो सुसाइड कर लेते, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बहुत बड़ी बात है कि मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर हंसे मतलब कि जोकर बनके, ये बहुत बड़ी बात होगी, आपने जोकर कहा, लेकिन अगर कोई हंसा सकता है ना तो उसका इतना टैलेंट किसी में नहीं मानता मैं तो। कई लोग बोलते हैं मेरे को ऐसा कि मैं जानबूझ के ऐसा करता हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं जानबूझ के ही करता हूँ, जानबूझ के मेरे को कॉमेडी करनी पड़ती है। कपिल शर्मा जानबूझ के ही करता है ना, इसीलिए लोग उसको पसंद करते हैं, तो मैं जानबूझ के ही करता हूँ सब, कि मेरी वजह से कोई हंस जाए, ये तो अपने आप, तो कोई मैं बेवकूफ तो हूँ नहीं, अपने आप हंसूंगा, राइट, वही चीज़ है बस। सर जो जैसे कंटेंट आपका खत्म हो उसके बाद जो हंसते हो ना, वही सबसे ज्यादा यूनिक लगता है लोगों को। ये तो मेरा जेनेटिक है, भगवान ने मेरे को दिया है कि बेटा पेट में भी दर्द है तो हंसते रहना है, मेरी हालत आप देख रहे होंगे, उसके बाद भी मैं हंसता रहता, चेहरे में स्माइल होनी चाहिए इंसान की, तो बात ही कुछ हो, इंसान की कुछ भी हो जाए चेहरे में उसकी स्माइल रहनी चाहिए हमेशा। सर आप हमेशा देखते होंगे दोस्तों, कुछ दिनों से काफी रेगुलर पोस्ट आ रहे हैं इनके, गुरु जी के साथ डेली ब्लॉग डालोगे, डेली ब्लॉग, इसका क्या रीजन है मतलब स्टार्टिंग में पहले आप धीरे धीरे डालते थे, अभी बहुत जल्दी से स्पीड से होने लग गया? देखो पहले मेरी रीच बहुत अच्छी आती थी यूट्यूब पे, क्योंकि कंटेंट अच्छे होते थे, सब कुछ अच्छे थे, बीच में क्या हुआ जैसे साहिल खान भाई है उनकी किससे लड़ाई हो गई, या कई लोग ऐसे जिन बीच में, तो मैं कॉन्ट्रोवर्सी में पड़ गया उनके चक्कर में, तो उसकी वजह से जो है मेरे व्यूअर्स जो है चले गए मुझे छोड़ के, या कम हो गए, रीच कम हो गई, तो लोगों को ऐसा लगा कि ये बकवास करता है, या रोस्टिंग वोस्टिंग मैंने करनी स्टार्ट कर दी थी तरुण गिल को, इनको सबको, तो मुझे ऐसा लगा मैं अपने ट्रैक से बाहर हो गया हूँ, तो इसके लिए मैंने रेगुलर ब्लॉग डालना स्टार्ट किया कि मैं दिन भर में क्या करता हूँ, क्या मेरी दिनचर्या है, एक एथलीट की दिनचर्या क्या होती है, कैसे चैंपियनशिप की तैयारी होती है, ये मैं डेली ब्लॉग में डालता हूँ उन लोगों के लिए जो लोगों को कोच नहीं है, कोच के लिए पैसे नहीं है, या जो लोगों को पता नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग है क्या, एटलीस्ट उन लोगों को मेरी वजह से थोड़ा सा फायदा हो जाए। दरअसल लास्ट टाइम गुरुजी आए थे यहाँ पर, तब मैंने उनके साथ शूट किया था, तो जब मेरी क्या उनसे ऑफलाइन मतलब विदाउट कैमरे के बात हो रही थी तो आपके बारे में पूछा था, तो वो बड़े खुश रहते हैं आपसे, तो ऐसा क्या करते हो आपके गुरु जी, आपका नाम कभी नहीं पूछते? देखो मुकेश सर जिम में पहला मैं ऐसा बंदा हूँ, मुकेश सर कितने भी गुस्से में हूँ मैं उनको हंसा देता हूँ, और वो जब भी कोई ऐसी बात होती है तो मेरे को जरूर देखते हैं, देख के हंसते हैं, उनके चेहरे में स्माइल आ जाती है, क्योंकि देखो जब आप सामने वाले को देखते हो अगर वो हंस रहा है तो आपके चेहरे में भी स्माइल आ ही जाएगी, आई मीन स्माइल दे रहा तो स्माइल आ जाएगी, तो 4 दिन की जिंदगी यार, हंसते रहो, सबको एक दिन मरना है, बॉडी बिल्डर का ज्यादा वैसे ही भरोसा नहीं होता कब मर जाए। जब भी हम चैनल में देखते हैं तो बहुत सारे एथलीट होते हैं, स्पेशली जैसे राजवीर भाई आ गए, मुकेश सर आ गए, तो जब भी आते हैं ना बादल भाई आते हैं, सब खुश हो जाते हैं,
ये हंसी का ही राज है सर, तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हम लोग जब भी देखते हैं ना आपको जिम में यकीन नहीं मानो, पूरा जिम मेरे को रिस्पेक्ट करता है, मुकेश सर का, उनका आधा जिम मेरे पैर छूता है, मैं कभी किसी को नहीं बोलता मेरे पैर छुओ या मेरे को गुरु बोलो या आदर मानो, रिस्पेक्ट आती है ना, वो रिस्पेक्ट आती है। मैं बहुत देखते, बड़े बड़े स्टार हैं, लोग उनसे बात भी नहीं करते, मेरे जिम में आके कोई भी आए मेरे से जरूर बात करता है, क्योंकि मैं छोटे को छोटा नहीं समझता, और इंसान बड़ा वही है जो छोटे को, जिसके साथ कोई छोटा बैठ गया तो उसको महसूस ना हो कि ये छोटा है, क्योंकि मैं भी जमीन से उठा हुआ यार, मैं भी छोटा हूँ, कभी मैं भी छोटा था, अभी भी छोटा ही हूँ, मैं बहुत बड़ा तो थोड़ी हूँ। फिर भी सर आपका जो मतलब जो बताने का तरीका है वो बहुत यूनिक है, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आता है, और आपने यूट्यूब पे भी अच्छी खासी ग्रोथ करी है। मैं यार दिखावट नहीं करता हूँ, मैं जो रियल में हूँ वही रियल में हूँ, अगर किसी तुमसे कोई प्रॉब्लम होगी तुम्हारे सामने बोलूंगा, अगर कमेंट में किसी ने कुछ गलत बोला कुछ बोला तो साले को वहीं चमकाता हूँ, मैं डरता नहीं किसी को, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, साला गाली देगा, ब्लॉक मार देगा, भगा देंगे उसको, बस इससे ज्यादा तो क्या ही कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है, जैसा रील में हम अब तक हमने देखा है एज इट इज ये सामने ही है, क्योंकि मैं साक्षात यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं देख भी रहा हूँ, तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। और कोई बढ़िया टिप जो देना चाहते हो लोगों को हंसने के ऊपर ही? मैं एक ही बात कहूंगा भाई, डिप्रेशन बहुत बेकार चीज है, ये आपको सोल्यूशन नहीं देगी, हंसते रहो, जरिए ढूंढो, हंसने के जरिए ढूंढो, खुश रहने के जरिए ढूंढो, कोई फायदा नहीं है सोच के ज्यादा टेंशन लेके डिप्रेशन लेके, बहुत सारे लोगों को आदत होती है डिप्रेशन में रहना या टेंशन में रहना, यार मैं तो बहुत बड़ा टेंशन में हूँ, ये हूँ, वो सब बकवास की बातें हैं, खुश रहो हमेशा, हर तरीके से खुश रहना चाहिए, और वही सबसे बिल्कुल बिल्कुल हमेशा दिमाग काम करे। और सर कांग्रेचुलेशन, आपको जो मेडल मिलेंगे नेक्स्ट सेरू क्लासिक में जरूर मिलेंगे आपके साथ, बिल्कुल बिल्कुल, तो सेरू क्लासिक में मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही, लोकेश थैंक यू।